नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज मैं यहाँ पहली बार ऐसे वीडियो में शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड पे एक ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्रिज जो है कि पोमा का ब्रिज है। तो इस ब्रिज को आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग का अरुणाचली जो यूट्यूबर है जो वीडियो बनाता है, म्यूजिक वीडियो वगैरह शूट करता है, तो अक्सर यहाँ आके ये लोग शूट करता है। तो आज हम लोग भी यहाँ पे आया है कि इसका ब्रिज का जस्ट नीचे साइड पे हम लोग आया है। तो यहाँ पे हम लोग हाइकिंग के तौर पे और हाइकिंग कम इंट्रेक्शन के तौर पे आया है। तो हम लोग बोलने से हम लोग का KK ट्रिपल सी जो DNGC यूनिट है, DNGC का जो कुरुंकुमे कॉलेज एंड कोऑर्डिनेशन है, तो हम लोगों ने यहाँ आज हाइकिंग कम इंट्रेक्शन, तो हम लोग का सेशन है कि हम लोग 2019-20 सेशन का है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं किस किस लोगों के साथ आया हूं और मेरा साथ कौन कौन है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो सबसे पहले हमारे जो आज के मीडिया पर्सन है ग्यामर मेघ जी को थैंक यू कहूँगा जो इतने शुभ अवसर मुझे दी कुछ चंद शब्द रखने के लिए। तो सभी को आप तो मेरे कुछ दोस्त हैं, सभी पता ही चल गए मैं DNGC कॉलेज के GS के रूप में कंटेस्ट करूँगा। और मेरी तरफ से जितने मेरे कॉलेज के जो जूनियर्स हैं उसको सजेशन है, जितने भी कॉलेज में आपके स्टडी को छोड़ के जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं और उन करिकुलम एक्टिविटीज़ में ये स्टूडेंट यूनियन भी एक करिकुलम एक्टिविटीज़ है। तो आपको ज़रूरी नहीं ये स्टडी के थ्रू से आप IAS IPS ऑफिसर बनेंगे, आप आपके करिकुलम्स आपकी एक्टिविटीज़ डेडिकेशन के थ्रू से आप पब्लिक लीडर है, स्टूडेंट लीडर सर्विंग करके भी आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं दूसरे सभी से यही अपील करूँगा कि अगर आप इस DNGC इलेक्शन में अगर आप वोटर आप मतदान करेंगे तो जिसे भी दीजिए एक डिजर्विंग वाले को दीजिए जो कॉलेज को आगे बढ़ा सके, ना कि अपने डिस्ट्रिक्टलिज्म टाइटलिज्म एंड ऑल्सो कास्ट सिस्टम में मत के लिए जहाँ भी जाइए फ्री एंड फेयर कॉमनली तोड़ रखे। यही मैं अपने जूनियर से अनुरोध करता हूँ और सजेशन मेरी तरफ यही है। जो पॉलिटिकल जो ये जो स्टूडेंट पॉलिटिकल जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करियर है और जो स्टडी है ये आपकी कुछ साल पहले तक ऐसे थी कि अगर आप बिना पढ़ाई करके भी कहीं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स फील्ड में कदम रखते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आपका स्टडी ठीक नहीं है तो आप पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में सोचना बहुत बड़ा मतलब आपके लिए मूर्खपन होगा। जैसे कि आप सभी पता है आंसू के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट होना पड़ता है और आंसू के लिए भी आपको मैट्रिक पास होना पड़ता है। तो मैं इसी बेसिस में कहना चाहूँगा जितने भी जो मेरे जूनियर्स है अगर आप
एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन, अगर आप स्टूडेंट करियर स्टूडेंट पॉलिटिक्स अगर आप चुनना चाहते हो तो आपकी स्टडी भी एक्सेलेंट होना पड़ेगी। ये वो समय नहीं है कि आपके पास स्टडी नहीं है और आप पॉलिटिक्स लीडर बारे सोचेंगे। ये वो समय है, न्यू जनरेशन डिमांड ये है कि पॉलिटिकल लीडर शुड बी एजुकेटेड एंड ऑल्सो ए जेंटलमैन पर्सन। अगर आप इस तरह का है तो आपके लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। हाँ, ये कोरोना काल महामारी बहुत दुखद भरी ये वायरस है जो आपके हमारे पूरे देश को और पूरे दुनिया को ये कोरोना ने संकट में ला दिया। तो इसी चलते हुए स्टूडेंट के जो एक्सीलेंट एजुकेशन एक्सीलेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आए। फिर भी मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, सेल्फ स्टडी खुद बे खुद करिए ताकि आपको आने वाला कल को जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, आप खुद में एवर रह सके। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस को आप ध्यान अगर उस पर डिपेंड होकर बैठते हैं तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। टीचर आपको बाय थ्रू द इंटरनेट बाय थ्रू द फोन आपको टीचर कुछ कुछ चीज सब टॉपिक आप जो को बताया जाएगा। फिर भी ऑनलाइन क्लासेस इतना इफेक्टिव नहीं जितना ऑफलाइन क्लासेस चलता था, जो पहले हम क्लास जाते थे वैसे नहीं होगा। तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट जो मेरे जूनियर है और मेरे कलीग्स है, यही दरख्वास्त करता हूँ आप सभी से सेल्फ स्टडी कुछ शुरू करिए, बिकॉज सेल्फ स्टडी से बढ़कर कोई स्टडी नहीं है। टीचर आपको परास्त है लेकिन आपको पढ़ना खुद है। सो अपने आप से स्टडी शुरू करिए, यही मेरे कहना चाहूँगा। मेरा तरफ से तो मैसेज तो बहुत सारा है भाइयों के लिए जो हमारा नेक्स्ट जो टीनियर को चलाने जा रहा है उन लोग के लिए मेरा पास तो है कुछ बहुत कहना। तो वही है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए हम लोग यहाँ में आना चाहिए और स्टूडेंट्स को जो कभी कभार होता है कि कुछ कुछ पिलअप वगैरह होना होता है ना करता है, तो ये सब चीज़ में हम लोग एक दूसरे से मदद देना चाहिए और जो प्रेशर से उन लोग को ना मदद देना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा के ट्रिपल सी जितना कुरुंग कुमे के स्टूडेंट्स है जो DNGC में है उसको बाउंडिंग में रखते हुए उसके साथ मिलकर हम लोग चलना चाहिए। तो यूनिटी होने से हम लोग को हम लोग का आपस में बहुत कुछ हो सकता है ना, जिसको छोटा छोटा चीज़ को लेकर छोटा छोटा चीज़ से लेकर बड़ा तक चीज़ को हम लोग ये बड़ा चीज़ तक हम लोग कामयाब हासिल कर सकता है। तो इसलिए हम तो वही कहेगा मेरे स्टूडेंट्स मेरा जो जूनियर है उन सभी को हमेशा बाउंडिंग में रहना है, यूनिटी इंटीग्रिटी को हमेशा हम लोग मोटो को हमेशा उसको इंटरेस्ट में लाना है और उसको हमेशा हम लोग दिखाना चाहिए। ये तो बहुत काफ़ी अच्छा सवाल है और अभी तो हमारा टीनियर लगभग ख़त्म हो गया और फिफ्थ सेमेस्टर में है। तो मेरा जो फ्रेशर्स है न्यू स्टूडेंट्स है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट से है उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप सब जो भी प्रॉब्लम होता है अपना जो क्लोजनेस वाला को सबसे पहले आगे पूछ लीजिए ना, पूछ के मतलब उन लोग से आगे जानने के लिए कोशिश कीजिए, ना कि हम लोग का कोई स्टूडेंट्स प्रेशर्स लोग होता है कि सोशल मीडिया में या कहीं कहीं में व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में उल्टा पुल्टा मतलब उन लोग का एग्रेसिवनेस को वहाँ में बिहेवियर वाला एग्रेसिवनेस को वहाँ में दिखा देता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपका सीनियर से हमेशा क्लोजनेस होके उन लोग से आगे पूछताछ करना है, भले वो थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर हो। तो इसीलिए हम वही है मेरा जीनियर्स को इतना ही कहूँगा, आप हमेशा जीनियर्स को सीनियर्स को याद कीजिए और कॉन्टेक्ट नंबर इधर उधर करके आप लोग कोशिश कीजिए और हम लोग हमेशा 24/7 रेडी रहता है हमारा जीनियर्स को हेल्प करने के लिए, भले वो PG के लिए हो या जो भी होने से भी हम लोग हेल्प करने के लिए कोशिश करता है। तो इसीलिए अभी मेरे जीनियर्स को हम इतना ही कहूँगा, अभी तीन साल आप पढ़ने आया है तो इसमें अच्छा से पढ़ के यहाँ से निकली है और आपका गुडनेस को यहाँ में दिखाइए और डिस्ट्रिक्ट का नाम को यहाँ में रोशन कीजिए। थैंक यू।
चित्र परिषद का चेयरमैन हूँ। ऐसे होकर भी मैं कुछ दिनों तक मैं इतना अच्छा से कुछ मंथ तक हम अच्छा से रूल करने नहीं मिला है। जब से पेंडेमिक आया है तब से हम पोस्ट को ही ऐसे ही रखा हुआ है, जो चीज़ को हम जो रोल करना था उसको भी करने नहीं मिला है। उसको हम जो बात में जितना हम एम एन ऑब्जेक्टिव और जितना हम ये विजन दे के रखा है उन सब को मैं अपना रिसफल डे में अपना चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव मेंबर को सारे चीज़ को हम अच्छा से बता देगा और समझा भी देगा कि ये चीज़ जो अच्छा होता है क्रिकेट प्रोसीज जो और ये चीज़ जो क्रब होता है वो क्या हम उसमें अच्छा से समझा देगा। आज ये एक्चुअली बोलने से हम लोग जो सितंबर लास्ट को हम लोग रिसफल कर देना था आगे वाला सीजन को बोलने से ना, सीजन को बोलने से पैदामी की वजह से ये जो पेंडेमिक की वजह से हम लोग ये जो प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग को मास्क ये धारण करने के लिए नहीं मिला है। उसका वजह से हम लोग जो ऐसे रुका के रखा है कि हम लोग जो मास्क ये धारण जब मास्क ये धारण होने के लिए अभी तो मीन दे दिया कि हम लोग जो हॉल जैसे कि हॉल मीटिंग हॉल वो सब देने के लिए अभी तक ये हो गया ना, यानी एलोट हो गया। लेकिन भी हम लोग जो अभी हम लोग का DNGC में हम लोग का थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग जल्दी से जल्दी नोटिफाई कर देगा कि हम लोग रिसफल करवा देगा। सबसे पहले धन्यवाद मिस्टर ग्यामर मिक्स और हमें इतना तक मतलब मौका मिला है जो हम खुद मेजर लेने का बाद भी हम जो है कि आज तक हमको कोई पूछा नहीं है, पहले बार आपने पूछा है, इसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। और हमने पॉलिटिकल मेजर हमको अभी ये भी कर लिया, मैंने सिलेक्शन भी हो गया है। तो मेरा लेने का मेन मोटो जो ये है कि आप देखिए पॉलिटिक्स बोले पॉलिटिकल बोलेगा तो आप जो है कि दुनिया में है कि इतना ये है पॉलिटिकल पार्टी लोग है और बहुत कुछ आर्टिकल है। तो हम मेरा मेन मोटो जो है कि हम जो वहाँ का आगे जाके हम जो है कि मास्टर डिग्री से डिग्री में हमको शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम जो है कि मेन जो मेरा जानना चाहते हैं कि हम ये मेजर को हम जो ग्रेजुएशन करने का बाद जो है कि हम वो करना चाहूँगा, मैंने ये लॉ करना चाहूँगा ना, क्योंकि यहाँ में इतना आर्टिकल लोग मिलता है लॉ करने से हमको करने के लिए हमको मेन जो है कि हमको पॉलिटिक्स में लेकर को लेके जाने से क्या होता है उसमें जो जितना आर्टिकल मिलता है और वो हमको बाद में मदद करेगा जब हम लॉ पढ़ाई करेगा ना, उसके लिए मैंने उसको चुना है। और रोस्टिंग से बेनिफिट बोल के तो नहीं है, बस रोस्टिंग का मज़ा ही अलग होता है। हम लोग अपना लोकल का तरफ से रोस्टिंग करके खाता है, हम लोग ट्रेडिशनली रोस्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उस सब ट्रेडिशनली रोस्टिंग कर रहे हैं। और हमारा अभी ये चिंगडुंग भी होगा, चिंगडुंग में भी आप देखिएगा, चिंगडुंग में भी हम लोग लोकल ही तरफ से करेगा, उसमें भी ज़रूर देखना। और रोस्टिंग का टेस्ट ही अलग होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।